अच्छा हाँ। तो चलो कम नहीं करेंगे, 100 रुपया नहीं करेंगे। नहीं वो आगे भाई बताओ भाई, 3 जो भाई सवारी में 3 जाई देते हैं, अपनी बच्ची समझ के ले लो। अरे तो बता तो रहे ना, तुम का बता रहे तुम, चलो भाई तो हम कमा थोड़ी ना है। अरे नहीं अब वो तो हम वो घर से मांग के खर्चा चलावत हैं। चलो भाई तो आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में, और इस समय में करौली सरकार कानपुर अपने दिव्य दरबार में आई हूँ। और आज सुबह सुबह ही मैं पहुँची हूँ, तो नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, तो कुछ कपड़े में लाना भूल गई, मतलब पैकिंग तो मैंने कर लिया था लेकिन जल्दी जल्दी मैं लाना भूल गई हूँ। तो अब स्पेशली मैं कपड़े लेने के लिए जा रही हूँ, पास में सनिकवा एक मार्केट लगता है, दरबार से थोड़ी दूरी पर होगा, 5 किलोमीटर जितना होगा, 5-6 किलोमीटर। तो कपड़े लेने के लिए जा रही हूँ, कपड़े है नहीं मेरे पास, तो अभी बाबा और माँ के दर्शन की दर्शन करने के बाद अभी चलिए। ये रिक्शा जो देख रहे हैं, ई रिक्शा, ये मैंने बुक किया है और इसका 150 रुपया अंकल तो इसका 150 रुपया अंकल कह रहे हैं, और लेके भी जाएंगे और लेके भी आएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिक्शा ना बहुत हिलता है, रोड भी खराब है ना, रिक्शा बहुत हिल रहा है। अच्छा रोडवा खराब है ना? हाँ, तो रोड बहुत मिले खराब है सर, रोड एकदम खराब होगा। हाँ। तो यहाँ पे देखो बारिश अभी हुई है थोड़ी, पर गड्ढा वड्ढा सब भरा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही बारिश, लेकिन ये हाल है। और यहाँ पे देखो यहाँ का देखो नज़ारा, अभी बारिश की मौसम में बहुत अच्छा हुआ है। इस समय अगर आप लोग इधर आते हो ना दरबार में, पूरा हरियाली आपको मिलेगा। मार्केट जा रही थी सनेगवा, तो सोची क्यों ना एक वीडियो भी बना लिया जाए, क्योंकि मैं तो हर पल कैप्चर करना चाहती हूँ अपने जीवन का हर पल, क्योंकि दरबार आना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दरबार का मैं हर पल घूमना फिरना हर चीज़ में कैप्चर करती रहती हूँ, तो ये भी मैं सोची कैप्चर कर लूँ। इस बार तो मैं अकेले ही हूँ, और अकेले ही हूँ, बाबा की कृपा से कुछ नहीं नहीं यहाँ पे रहूँगी, सेवा करूँगी, फिर घर भी जाना आना रहेगा मेरा, मेरी आवाज़ भी आप लोग सुन रहे होंगे, मतलब आवाज़ भी जो है ना बराबर बोल नहीं पा रही, इतना ज़्यादा यहाँ पे हिल बहुत रहा है। हरियाली देख रहे हो ना, ये हमारे गुरुदेव का गौशाला है अंदर, और ये सब पूरा गुरुदेव का ही है। अभी बाप रे बहुत गिर रहा है, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हुआ इस समय, बारिश में तो समझ ही रहे हैं, बारिश भी हुई है और हल्की हल्की धूप भी है, हरियाली भी है, कुछ अच्छा ही, कुछ अलग ही आनंद है यहाँ पे। अब सनिगवा पहुँच जाते हैं, पहुँच के फिर सामान खरीद लेते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पे खेती का काम भी चल रहा है, रोड अगर अच्छा रहेगा चाचा तो बहुत अच्छा चलेगा। हाँ बहुत हिल भी तो रहा है ना, देखो कितना पूरा सगी झक झोड़ दे रहा है। हाँ
हाँ रास्ते का बहुत दिक्कत है। चलो बाबा भी कुछ सोचेंगे, जरूर करवाएंगे बाबा भी। बहुत जगह हाँ सही बात है, सरकारी काम है इसमें अपना हस्तक्षेप ज्यादा कर भी नहीं सकते। बाबा चाहे तो समय नहीं लगेगा बनाने में। हाँ लेकिन क्या है ना, सरकारी काम है तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल देख रहे हो सामने, यही अपना सनीगवा मार्केट है। और मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मैंने खरीद लिए हैं, ये बैग में रखा हुआ है। ये सब यहाँ पे छोटी मोटी दुकान है। सारी दुकानें हैं छोटी मोटी, काम चलाओ सामान हम लोग यहाँ से ले सकते हैं।